भारतीय वायु सेना ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है जिसने अमेरिका और फ्रांस ही नहीं बल्कि रूस के हथियार निर्माता कंपनियों की भी नींद उड़ाकर रखती है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको जो विमान दिख रहा है वह यूरो फाइटर टाइफून है। इसी वीडियो ने रूस, फ्रांस और अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनियों की नींद उड़ाकर रख दिया है, क्योंकि इस समय भारतीय वायु सेना के जो चीफ है वह जर्मनी के दौरे पर गए हैं और वहां पर उन्होंने न सिर्फ यूरो फाइटर टाइफून को करीबी से परखा बल्कि उसमें थोड़ी देर के लिए उड़ान भी भरी। और आपको बता दें कि कोई छोटी बात नहीं है बल्कि यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पहली बार किसी भारतीय वायुसेना ने यूरो फाइटर में उड़ान भरी, और वह भी ऐसे टाइम पर जब भारत 1114 फाइटर जेट खरीदने की डील को फाइनल स्टेज की ओर ले जा रहा है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस राफेल देने में आनाकानी कर रहा है और भारत को महंगे दामों में बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यदि हम यूरो फाइटर को खरीदने की कोशिश करते हैं तो दोबारा से फ्रांस भारत के सामने राफेल बचने के लिए हाथ फैलाने पर मजबूर होने वाला है। भारत ने 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRF खरीदने के लिए अपनी योजना की घोषणा की है और इस सौदे के लिए यूरो फाइटर टाइफून एक महत्वपूर्ण उम्मीदवार बनकर उभरा है। वर्तमान में भारतीय वायु सेना के प्रमुख जर्मनी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने यूरो फाइटर टाइफून का परीक्षण उड़ान भरी, जिससे भारत के इस विमान को खरीदने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। फ्रांस, अमेरिका और रूस ने भी इस सौदे के लिए अपने अपने फाइटर जेट्स की पेशकश की है, जिनमें राफेल F-35 FA-18 सुपर हॉर्नेट और सुखोई Su-45 शामिल है। हालांकि फ्रांस की ओर से राफेल की कीमत को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि ज्यादा कीमत मांग रहा है। यह यूरो फाइटर टाइफून राफेल से ज्यादा अच्छा साबित हुआ है। यूरो फाइटर टाइफून का निर्माण करने वाली कंपनी एयरबस यह विमान 30-50 कम कीमत पर देने की बात कही है। साथ ही भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार अपग्रेडेशन की सुविधा भी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त एयरबस के पास वर्तमान में अन्य बड़े अनुबंध नहीं है जिससे वह जल्दी डिलीवरी सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी और रूसी विमान की डिलीवरी में संभावित देरी की संभावना है, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जर्मनी के निमंत्रण पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख का यूरो फाइटर टाइफून की उड़ान भरना यह दर्शाता है कि भारत इस विकल्प में गहरी रुचि दिखा रहा है। यूरो फाइटर टाइफून की खरीद या अन्य विकल्पों के चुनाव पर अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और नई जानकारी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।